तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर बी बाय ए का मतलब होता है, जैसे कि यहां पे लिखा है पी बी बाय ए, ठीक है। बी बाय ए का मतलब होता है ए ऑलरेडी हो चुका है और बी अभी होगा, ठीक है, मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये दे रखा है पी बी बाय ए, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो हमें ये करना है। देखिए फॉर्मूला होता है एक पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। ये वो प्रोबेबिलिटी होती है जो जो इवेंट हमारा हो चुका है, ठीक है। तो पी ए मतलब क्या है, ये इवेंट हो चुका है तो इसलिए हम बी बाय ए निकाला है। तो हमें चाहिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, पी बी बाय ए कितना है हमारा 7/8, तो 7/8 रख दो यहां से, इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन है पी ए कितना है वहां पर 4/5 पुट कर दो, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसको आइटम को इधर भेज दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो ये पूरी की पूरी टर्म डायरेक्टली हम इधर भेज रहे हैं, तो यहां पर देखो 7/8 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/5, यहां से कैंसिल हो सकता है कुछ क्या, हाँ ये कैंसिल होता है, 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8, ठीक है। इसके अलावा सर कुछ नहीं होगा, 7/10, तो आंसर हो गया 7/10, ठीक है। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डी ऑप्शन जो है आपका 7/10, ठीक है, ये करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।